चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। आप इस वीडियो का पार्ट दो देख रहे हैं। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से सभी पार्ट देख सकते हैं। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 26 तक कम्प्लीट कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 27 से। 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पीटी का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ए व्यायाम, बी आहार, सी वंशानुक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु, यह अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिया शहर में स्थित है। ओलंपिया शहर ग्रीस में स्थित है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसोना का शाब्दिक अर्थ है। परसोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राष्ट्रमंडल खेलों के बीच का अंतराल है। दो राष्ट्रमंडल खेलों के बीच का अंतराल 4 वर्ष का होता है, ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाले सम्राट कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा थियोडोसिस, थियोडोसिस ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का आयाम नहीं है। व्यक्तित्व का आयाम आर्थिक आयाम नहीं है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, प्रथम 2020 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। प्रथम 2020 विश्व कप भारत ने ही जीता था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रथम एफ्रो एशियन खेल किस देश ने आयोजित किए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई और ये 7 अप्रैल को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एथेंस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के द्वितीय वृत्त का रंग है। इसका सही उत्तर होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से सभी में होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूर्ण रूप है। WHO का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह संबंधित है। मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की 10 शाखाएं होती है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खेल प्रदर्शन निम्न पर निर्भर है। इसका सही उत्तर होगा अभ्यास। खेल प्रदर्शन अभ्यास पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या होती है। इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़े। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है। इसका सही उत्तर होगा ए। तो इस प्रश्न पत्र के 100 क्वेश्चनों में से हमने 50 पूरे कर लिए हैं। बाकी सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।